देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस अभियान के दौरान उन्होंने केरल के पलक्कड़ में पहली रैली को संबोधित किया। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि कई सालों से केरल की राजनीति का सबसे बुरा रहस्य यूडीएफ और एलडीएफ का समझौता रहा है। अब केरल के मतदाता पहली बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मैच फिक्सिंग है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह यूडीएफ और एलडीएफ ने जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि इस बार केरल की जनता एलडीएफ और यूडीएफ की मैच फिक्सिंग को खारिज करने जा रहे हैं। पीपल आर सीइंग हाउ यूडीएफ एंड एलडीएफ मिसलेड पीपल। In West Bengal, Congress and left are one. Congress and left were partners in UPA, one in Delhi. The left continue to give issue-based support to UPA too. But here in Kerala, during the election, they put allegations. And after coming to power, they never act on it. They are behind the scene. Games are now exposed about UDF and LDF. The youth of Kerala is saying different name, working same, but have their mark areas for making money. UDF has not even spared the rays of the sun. About LDF, it can be said, Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. दिल्ली में कोरोना के मामले प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से राजधानी में कोरोना का खतरा बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली में 1900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोविड को लेकर व्यवस्थाएं अभी पूरी है। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। बता दें कि दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 1904 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर भी बढ़कर 2.77% हो गई। 13 दिसंबर के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कल दिल्ली में 1904 पॉजिटिव केसेस थे। पॉजिटिविटी रेट था 2.77 और कल होली थी, जो आज रिपोर्ट आई थी उसमें तो खैर काफी कम केसेस हैं। और दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश में लगभग 50,000 से ऊपर केस डेली आ रहे हैं। दिल्ली में हम जो टेस्ट कर रहे हैं एवरेज, कल होली थी थोड़ा कम थे, एवरेज हम 80,000 से 90,000 टेस्ट डेली कर रहे हैं और पूरी तरह से कड़ाई बरती जा रही है। और जितनी भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी जागरूक किया जा रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मास्क जरूर लगाएं, मास्क की वजह से हम सुरक्षित सकते हैं। सर, इसको लहर कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था या रिकॉग्नाइज किया था वेव के तौर पर, क्या इसको वेव कह सकते हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, पूरे देश में ही सेम ही ट्रेंड चल रहा है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अलग है। पूरे देश के अंदर 10,000 से नीचे केस आ गए थे, अब वो 6 गुना केस बढ़ गए हैं, तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है। और इसको देखो, लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने जाओ। सर, आईसीयू बेड्स को लेकर फिर समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स अब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि नहीं बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की लेकिन सर, प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। सर, क्या कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कम हो रहे हैं आईसीयू वाले या वेंटिलेटर वाले, बाहर दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हों? हाँ, या दिल्ली के ही हो सकते हैं? नहीं, दोनों जगह से हैं, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी पेशेंट हैं। जितने भी जो सीरियसली इल हैं वो सारे दिल्ली ही आते हैं।
वही महाराष्ट्र के नंदेड़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देने के बाद तलवारों से लैस सिखों की भीड़ ने सोमवार को पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि तलवारें लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस कर्मियों पर जमकर हमला किया। इस हिंसा में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नांदेड़ रेंज के पुलिस उप महानिदेशक निसार तंबोली ने कहा कि महामारी के चलते होला मोहल्ला का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। कोरोना की हालत देखते हुए इस बार हल्ला बोल कैंसिल करेंगे। कुछ यंगस्टर लड़के जो है वो बात नहीं मान रहे थे, बाबा जी ने भी उनको समझाने की कोशिश की तो वो एक नंबर गेट से बाहर आ गए और ट्रेडिशनल रूट जो है इसी रूट पे उन्होंने हल्ला बोल मनाया। इसमें हमारे रिस्ट्रिक्ट करते वक्त कुछ 4 कर्मचारी जख्मी हुए और पुलिस की कुछ व्हीकल से उनका नुकसान हुआ है। आईपीसी के धारा अलग अलग धाराओं और कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, इस आधार पर गुना दाखिल किया जाएगा।